नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विदास में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो शेयर का नाम है सालसा टेक्नो इंजीनियरिंग। ये शेयर अभी पूरा मार्केट में छाया हुआ है, हर कोई जो बात कर रहा है सिर्फ सालसा की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो बोनस शेयर जो आया था वो एक तरह से लोगों को एकदम ट्रैप कर दिया गया है, ट्रैप मतलब फंसा दिया गया है। अभी वो बोनस शेयर कोई बेच ही नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरह से एक पूरा एक ट्रेंड आया था मार्केट में, पहले शेयर नहीं थे और अचानक से शेयर बढ़ गए हैं, और जो बड़े हैं तो वो सब सीधा सेल कर रहे हैं, कोई ऐसा खरीदने वाले बायर्स आए नहीं है। इस चक्कर में साल में ऐसा दिक्कत देखने को मिल रहा है। और अगर करंट की बात किया जाए तो कल भी एक लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो है वो 1,12,18,700, और ये जो क्वांटिटी है ये बढ़ती जा रही है, ये सेलर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। अभी कल का जो मूवमेंट रहेगा वो भी डाउनफॉल ही रहेगा। अगर कोई सेलर मतलब कोई बायर नहीं आता है तो ये टोटली अभी जो 23.80 है वो 22 तक जाएगा, और मैंने आपको टारगेट दिया था सीधा सीधा ये 20 रुपये का। ये 20 लेवल तक आपको आना ही पड़ेगा, 20 के बाद में ही कोई बायर आएंगे, उससे पहले तो कोई बायर आने वाला नहीं है, सिर्फ सेलर ही है। सेलर ही मार्केट को सालसा टेक्नोलॉजी को डाउन किए जा रहे हैं। अब बात किया जाए इसका फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स कंपनी के पास पूरा स्ट्रॉन्ग है, कोई शक ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इसको रेलवे की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। फिर हम ये अपना जो काम है वो टाइम टू टाइम का, अब मतलब एक फिक्स जो टाइम दिया जाता है प्रोजेक्ट का वो टाइम से कर देती है। जैसे नितिन गडकरी है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे मंत्री हैं, वो उनको टाइम से चाहिए रहता है। तो उसी तरह रेल सालसा टेक्नो इंजीनियरिंग जो शेयर में है वो भी एक टाइम पे टाइम अपना काम पूरा करती है। अब तो इसकी फंडामेंटल्स की बात हो गई, अब टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल देख लीजिए, एक टाइम से ये पूरा तरह एक साइडवेज मोमेंट में रहा और अचानक से ट्रेंड में आया था, वो 130 तक गया था, और ये जो 30 था वो ऑल टाइम हाई तक गया था, और उसके बाद में अचानक से बोनस आया था 1 फरवरी को। इस चक्कर में मार्केट में अचानक शेयर आ चुके हैं, अभी जिसके पास बोनस का शेयर है वो बेच ही नहीं पा रहा। और भी आपको कम से कम ये जो है ना 22 का लेवल है, 22 बोल रहा हूँ, ये 20 का जो लेवल है यहाँ तक आपको ना रुकना पड़ेगा, उसके बाद में आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचते हो तो ये बहुत बढ़िया कंपनी रहेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टॉक मार्केट में आपका धन्यवाद।